आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम मक्के के आटे से मूली की पूड़िया बनाने जा रहे हैं। मैंने दो मूली ली है और उनको छीलकर भियाकस कर लिया है। बारीक वाला करना है, जो कि आप देखिए बिल्कुल बारीक है मेरी मूली, और उसमें मैंने टेस्ट के लिए हरा धनिया भी डाला है। अब हम पहले मक्के का आटा ले लेते हैं। करीबन डेढ़ कटोरी के करीब मैं आटा ले लेती हूँ। इसको आप ज्यादा ना लें, क्योंकि ज्यादा हम डालेंगे तो ये ठीक से नहीं बन पाता। अब हम इसमें थोड़ी सी मूली ऐड करते हैं, थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करते हैं, हल्का सा टेस्ट के लिए हम धनिया भी डाल देते हैं। हम आटा गूंदना शुरू करते हैं। आटा मैंने पहले भी आपको मक्का की रोटी बनाने में बताया है कि कैसे गूंदता है। आपको यदि आटा गूंदना देखना है तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। आटा तैयार करने में पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें, क्योंकि मूली में ही पहले से पानी होता है। हमने पैन रख दिया है, अब इसमें हम ऑयल चढ़ा देते हैं। इतना हमारा अभी आटा दूरा है, इतना हमारा तेल गर्म होएगा, इस बीच में हम अपने आटे को तैयार कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा आटा डाल के देखते हैं हमारा ऑयल तैयार है या नहीं। हमारा ऑयल तैयार है बिल्कुल। अब ये आटा हमारा तैयार है। अब हम इसमें से थोड़ा सा आटा लेके इसकी पूरी बनाते हैं। पूरी ऐसे बना लीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, और इस तरह से आप धीरे 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 बड़ी करते जाएं। अब हम इसको गर्म तेल में डाल देते हैं। अभी हम इसको सुनहरा होने तक फ्राई करते हैं। आप कढ़ाई में ही बना सकते हैं, मैंने पैन में बनाया है। आप कढ़ाई में पैन में जिसमें आपका मन करे उसमें बना सकते हैं। लगभग हमारी पूरी तैयार है। इसी तरह से हम सारी पूड़ियां बना लेते हैं। अब हमारी मक्का मूंग वाला पूरी तैयार है। आप किसी भी सब्जी के साथ इन्हें खा सकते हैं। यदि ये बनाई हुई पूड़ियां पसंद है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को ज्वाइन करना। आगे मिलते हैं किसी नई चीज के साथ। धन्यवाद।